तो हमारे बॉडी के अंदर एकदम से सेंस ऑफ थ्रेड जो है वो डेवलप होगी अब ये जो जैसे ही सेंस ऑफ थ्रेड हमारे आ, हमें परसीव होगी इसका फ़ौरी तौर पे जो मैसेज है वो ब्रेन से आ, हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू होगा ट्रांसमिट होना शुरू होगा जिसकी वजह से जो हमारे फिजिकल रिएक्शंस हैं वो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाएंगे जैसे हमारा हार्ट बीट जो है वो तेज़ी से तेज़ हो जाएगा हमारा जो ब्लड है वो तेज़ी से पंप होना शुरू हो जाएगा अब जो ब्लड जो हमारा तेज़ी से पंप हो रहा होता है जो मसल्स के अंदर जा रहा होता है वो बेसिकली हमें रेडी कर रहा होता है कि अगर हमें उस सिचुएशन से रन अवे करना पड़े तो हम कर सकें इसके साथ साथ आ, हमारी जो आ, स्किन आ, टोन है वो आमतौर पर कूल होना शुरू होती है किससे स्वेटिंग से हमारी बॉडी स्वेट करना शुरू कर देती है इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो अपने अंदर डिफरेंट किस्म के फिज़िकल सिम्टम्स फील करते हैं जिस तरह स्टमक के अंदर उनको सेंसेशंस फील होती हैं बॉडी के अंदर सेंसेशन फ़ील्स होती हैं या उनकी हा, हाथ और पाँव जो हैं वो नम होना शुरू हो जाते हैं तो ये सारे जो आ, आ, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है आ, उसको आ, इस सारे प्रोसेस को हम बायोकेमिकल रिएक्शन के फ़ाइट एंड फ्लाइट आइडियाज़ कहते हैं फ़ाइट एंड फ्लाइट आइडिया का मतलब क्या होता है कि बेसिकली uh, uh, हमें बॉडी uh, जो है वो इस चीज़ को डिटर्मिन करी होती है कि क्या हमने उसी सिचुएशन में रहकर उस चीज़ से फाइट करनी है या वहाँ से भाग जाना है ठीक है अब अगर अगर आपके सामने स्नैक है तो आपकी बॉडी बेसिकली उस वक्त ये डिटर्मिन करी है कि आइदर यू आर केपेबल टू फाइट विद द स्नेक और यू आर केपेबल टू रन अवे फ्रॉम द स्नेक तो ये जब जैसे ही आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि यू आर अनएबल टू फाइट विद द स्नैक तो आप भाग जाओगे ठीक है तो ये जितना भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन है ये आपको हेल्प करेगा उस सिचुएशन से एस्केप करने में लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर एकदम से सिग्नल आता है कि जी स्नैक वहाँ से चला गया तो आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी और नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली जो फियर का रिएक्शन है आ, वो हम सब फील करते हैं लाइफ में डिफरेंट मौक़ों के ऊपर अब ये जो फियर है ये तो मैंने आपको एक रियल फियर की बात की है सर्टेन टाइम ऐसे भी होता है कि फियर जो है एकदम से जिस तरह आप सुनते हो बैलून की आवाज़ एकदम से आपको पता चलता है कि एक, एक ब्लास्ट हुआ है और आप एकदम से डर जाते हो एकदम से आपकी बॉडी जो है वो हाइटेंड हो जाती है और फिर आपको ब्रेन में मैसेज मिलता है या आप ऑब्ज़र्व करते हो या देखते हो आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि नहीं इट इज़ ओनली बिकॉज इट इज़ जस्ट अ बैलून और ये कोई ब्लास्ट नहीं था तो आपकी जो बॉडी है वो टोन डाउन हो जाती है ठीक है तो इस किस्म का जो रिएक्शन uh, होता है uh, जब आपकी बॉडी के अंदर तो ये इन रेस्पॉन्स टू थ्रेट होता है और ये एक ऐसा ह्यूमन इमोशन है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी हार्मफुल थिंग थैंक यू